पिछले 5 मिनट में पर्ची से हम जरूर उनका रुख करेंगे। मैं मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजन हुआ तो देखो कमलेश दीक्षित में कहा हेल्पलाइन नंबर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए गए 614 लाउडस्पीकर 207 लाउडस्पीकरों की आवाज नहीं कराई गई। जालौन में प्राइमरी स्कूल में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम ने किया औचक और बीडीओ को लगाई फटकार। अलीगढ़ में बाइक सवार दंपति को टेम्पो ने रौंदा, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, महिला घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में विद्युत विभाग ने काटा मस्जिद का कनेक्शन देने के नाम पर लगवा रहे अधिकारियों के चक्कर। फरुखाबाद में पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फरुखाबाद में दबंगों ने डीएम के अर्दली की पत्नी पर किया जानलेवा हमला, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, अर्दली ने पड़ोसी युवक और उसकी मां पर लगाया आरोप। अरकुंड गांव में गौशाला तक पहुंची जंगल की आग, आग की चपेट में आने से बाल बाल बचे मवेशी, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद, सुरक्षा और जाम से निजात दिलाना पुलिस की प्राथमिकता। मेरठ में माफिया बदन सिंह बद्दो के गुर्गों पर कार्रवाई, प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। फतेहपुर में खखरेरू थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा ओवैसी पार्टी का नेता, सोशल मीडिया में फोटो वायरल होते ही पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, एसपी ने दिए जांच के निर्देश, जिले के खखरेलू थाने में मामला दर्ज। फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस नहीं मिलने से साइकिल पर मरीज को ले जाते हुए वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। कौशाम्बी में युवती ने भाजपा नेता दुर्गेश चौधरी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, युवती की शिकायत पर एडिशनल एसपी ने कही जांच कराने की बात। मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर के प्रांगण में ईद मेले की परमिशन देने पर हिंदू संगठन में रोष, हिंदू संगठन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, परमिशन कैंसिल कराने की मांग। फतेहपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक, आग बुझाने की कोशिश में जुटे ग्रामीण। लखनऊ में महिला कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत, माला शुक्ला विभूति खंड न्यायालय में तैनात थी, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। बांदा में भाजपा नेत्री श्वेता सिंह की मौत का मामला, बेटियों ने पिता और परिवार पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, बेटियों ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल के प्रिंसिपल पर 12वीं की छात्र की हत्या का आरोप, पीड़ित परिवार न्याय की आस लेकर पहुंचा सीएम आवास। अलीगढ़ में चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम, ताला तोड़कर ले गए लाखों का सामान। लखनऊ में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का 2366वां जयंती समारोह, जयंती के अवसर पर सहकारिता भवन में मौर्य समाज के का आयोजन। प्रतापगढ़ में चोरों ने सेंध काटकर पंजाब नेशनल बैंक में चोरी का किया सफल प्रयास, सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। ड्रग इंस्पेक्टर ने विजिलेंस सहित की छापेमार कार्रवाई, अनियमितता और एक्सपायरी डेट की दवा बेचने वालों पर हुई कार्रवाई, 5 मेडिकल स्टोर और अस्पताल को किया गया सीज। शामली में पूर्व सभासद के बेटे की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी 2 युवकों पर हत्या का आरोप, पुलिस की मुखबिरी करने के शक में हुई है हत्या। मुजफ्फरनगर में लोक अदालत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ निकाली जागरूकता रैली, जिला न्यायाधीश चमन प्रकाश ने न्यायालय से दी रैली को हरी झंडी। गाजियाबाद के अमर भारती अखबार की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, आग पर पाया गया काबू।